faccia che ho fatto nello specchio di quest'altro te. Perciò, caro. दरगाह क्षेत्र के अंदरकोट में मीठे नीम की आगे तारागढ़ रोड पर जूस की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से दुकान में सो रहे तीन लोग झुलस गए। आग से गैस सिलेंडर भी फट गया। सूचना मिलने पर दरगाह थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड ने इनकार कर दिया। एक घंटे की मशक्कत के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया। उसमें आग लगी, जब अपने को ताव लगाना था, जब आग खुली तो हम पहले बच्चों को लेकर बाहर निकले, फिर उसके बाद बुझाने की कोशिश करे, मगर हवा इतना तेज था कि हम वो पानी इतना था नहीं जो हम आग को बुझा सके। उस वजह से हमने खैर बच्चों को बचा के निकल गए। दो जानवर मेरा बंधा हुआ था वो तो वहीं रह गए, और उसके बाद खाली बच्चों को ले गया। मेरे पीठ पर लगी हुई, मेरा भाई का ये पूरा ये जला, वो मेरा बेटा का ये जला। बेटे का नाम अबू बकर है, सादिक। ये अपना जिन्नाती मस्जिद से ऊपर जो दुकान करते, बाकी वो जगह का नाम नहीं, तारागढ़ रोड पे जिन्नाती मस्जिद से ऊपर ठंडा कोल्ड ड्रिंक की दुकान है हमारी। एक सिलेंडर फटा। नुकसान तो ये समझ लो ना, तीन तो डी फ्रिज थे, एक बड़ा फ्रिज कंपनी का था, बाकी घर का सामान था। उसके बाद जो है खुद के, आज मैंने दो आदमी से पैसे लिया उधार का, पैसे का तो मैं सामान लाया हूँ, वो सामान वही फ्रिज के ऊपर रखा हुआ, वो सामान भी जल गया। बाकी जो है और पैसे जो लिया वो परस पेंट दूसरे की पेंट भी। मैं दो जानवर मेरा जो बड़े बकरे थे दो, और वो बंधे हुए थे वहाँ पे, सारे 13 जानवर है। अब ये नहीं पता कि मेरा जानवर, अभी कोई नहीं दिख रहा है कि अब सुबह को पता चलेगा मेरा जानवर कितने बचे हुए। कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान ये। अब मैं टेम तो नहीं, मतलब 2-2.25 के बीच का बात। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।